खबर उन्नाव जिले से है, जहां राष्ट्रीयकृत बैंक के निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर हाथ में बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने UFBU और हमारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। मोहान बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया, पहले सरकार के द्वारा निजीकरण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में तब्दील किया गया था। उनका उद्देश्य था गरीब किसानों तक बैंक की सुविधा पहुंच सके, लेकिन सरकार की जो मंशा हुई कि फिर से राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण बैंकों में तब्दील करना चाह रही है, जिसको लेकर बैंक कर्मी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। राष्ट्रीय बैंक बना रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय बैंक आज के दौर में रीढ़ की हड्डियों का काम कर रही है। और कहा, चाहे वो नोटबंदी हो या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जनधन योजना या कोरोना वैश्विक महामारी, इन सब में हम सभी बैंक कर्मियों ने लगातार कार्य किया है। हमारे यहाँ के ग्राहक गण हैं, ये हमारे साथ UFBU बैनर तले हम लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं निजीकरण का क्यों नहीं होना चाहिए, इससे ग्राहकों का क्या उसे असुविधाएं होंगी, गरीब तबके, और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाएं अति कम दर पर गरीब और मध्यम वर्ग को उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन निजीकरण इसका पूरा विरोधाभासी है। निजीकरण हो जाने के बाद आपको जो हमारे यहाँ से सुविधाएँ, सरकारी योजनाओं का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमारे शाखा के स्तर से होता है, बैंकों द्वारा होता है, वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा। आप चिर परिचित हैं, कहीं भी आपको प्राइवेट बैंक की शाखाएँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती हैं, वहाँ पर हम सरकारी बैंक ही कार्यरत हैं। हमारे द्वारा निरंतर सेवाएं पिछले 30 वर्षों से दी जा रही हैं, अचानक इस तरह का क्यों हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार द्वारा, कि हमें निजीकरण की आंधी में झोंक दिया जा रहा है। निजीकरण पूरी तरह से ग्राहकों के विरोध में। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक नेहा सक्सेना ने बताया कि हम सभी बैंक कर्मियों के साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार के द्वारा हमें निजीकरण में झोंक दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा निजीकरण का सामना गरीब किसानों को करना पड़ेगा। और कहा, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जनता को इससे नुकसान हो रहा है। हमारे